दोस्तों आईपीएल 2022 में पंजाब किंग्स एक नए सिरे से शुरुआत करने वाली है। नए कप्तान और नए स्क्वाड के साथ पंजाब किंग्स इस बार दिखाई देने वाली है। ऑक्शन में पंजाब ने बड़े देसी और विदेशी खिलाड़ी खरीदे हैं, जिनसे पंजाब को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। पंजाब ने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ यंग खिलाड़ियों को भी अपने साथ जोड़ा है, जिसकी वजह से पंजाब का स्क्वाड एकदम बैलेंस दिखाई दे रहा है। और अब पंजाब इन खिलाड़ियों के दम पर मेडन आईपीएल ट्रॉफी जीतने की जद्दोजहद करने वाली है। इस वीडियो में हम पंजाब किंग्स के वो तीन खिलाड़ी बताने वाले हैं जो कि इस बार ऑरेंज कैप को अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हैं पंजाब किंग्स के बड़े फैन तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पंजाब के वो तीन बल्लेबाज जो कि आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में ऑरेंज कैप जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं शिखर धवन। भारतीय टीम के गब्बर शिखर धवन एक ताबड़तोड़ ओपनर बल्लेबाज हैं और आईपीएल में कंसिस्टेंट रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। खासकर दिल्ली कैपिटल्स में जाने के बाद धवन और भी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दिए। पिछले तीन सीजन में धवन ने 1700 से ज़्यादा रन बनाए हैं और तीन सालों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 5 में रहे। इस दौरान धवन के बल्ले से लगातार 2 सेंचुरी भी निकली हैं और यह कारनामा करने वाले वे इकलौते बल्लेबाज बने आईपीएल में। इस बार भी धवन से उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है। इस बार वे पंजाब किंग्स की जर्सी में खेलते दिखाई देंगे। पंजाब के लिए वे ओपन करने वाले हैं। इस बार शिखर धवन अपने प्रदर्शन के दम पर ऑरेंज कैप को अपने नाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स के दूसरे बल्लेबाज की जो ऑरेंज कैप को जीत सकते हैं, वो हैं मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल इस बार हमें डबल रोल में दिखाई देंगे। वे पंजाब किंग्स की कप्तानी तो करने ही वाले हैं, साथ ही उन पर पंजाब की बैटिंग की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। इस साल वे शिखर धवन के साथ ओपनिंग करने वाले हैं। पिछले तीन सीजन पर नज़र डालें तो पंजाब के लिए मयंक केएल राहुल के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। वे साल दर साल और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हालांकि इस बार उन पर दबाव ज़्यादा रहेगा क्योंकि वे टीम को लीड भी करने वाले हैं। पंजाब की तरफ से मयंक ने अब तक 47 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 1317 रन बनाए हैं। धवन की तरह मयंक भी तेज तर्रार बल्लेबाजी करने में माहिर हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पंजाब किंग्स के तीसरे बल्लेबाज की जो ऑरेंज कैप को जीत सकते हैं, वो हैं जॉनी बेयरस्टो। वैसे तो जॉनी बेयरस्टो को आईपीएल का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, केवल 28 मैच ही खेले हैं। लेकिन इन 28 मैचों में ही बेयरस्टो ने 1038 रन जड़ यह साबित कर दिया कि वे इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ आईपीएल में भी तिलका मचा सकते हैं। बेयरस्टो को लिमिटेड ओवर क्रिकेट का विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए उन्होंने धमाकेदार पारियाँ खेली हैं। एक शतक भी वे आईपीएल में जड़ चुके हैं। इस समय बेयरस्टो शानदार फॉर्म में भी हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने 140 रन की शानदार पारी खेली और वे ऐसा ही फॉर्म अगर 26 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में भी जारी रखते हैं तो फिर उन्हें ऑरेंज कैप पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये हैं पंजाब किंग्स के वो तीन बल्लेबाज जो कि इस साल ऑरेंज कैप को अपने नाम कर सकते हैं। आपके हिसाब से पंजाब का कौन सा खिलाड़ी जीत सकता है आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। पंजाब किंग्स से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।